मेरे प्यारे छात्रगण, आठवीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम शाम और सपना नामक पाठ के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज इस पाठ के आगे के भाग के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पाठ का नाम शाम और सपना। बच्चों, पिछली कक्षा में अध्ययन किया होगा बाघ के बारे में तीन चार क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे आप जानते हैं या नहीं। देखेंगे, राजा ने सपने में क्या देखा? यस, आपको मालूम है राजा ने सपने में बिल्ली देखा। बिल्ली देखने के बाद में राजा ने क्या किया? जैसे ही बिल्ली देखने के बाद में राजा ने क्या किया? यस, वेरी गुड। आप जानते हैं बिल्ली देखने के बाद में राजा घबरा गया। वह अपने दरबारियों से पूछने लगा, आखिर सपने में बिल्ली देखने का अर्थ क्या है? क्या राजा दरबारियों के उत्तर से संतुष्ट हुआ? वेरी गुड। जी नहीं, राजा दरबारियों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। राजा शहर में ढिंढोरा क्यों पिटवाया? Yes, आपने सही सोचा। राजा सपने का सही अर्थ जानना चाहता था। जो उत्तर दरबारी तथा मंत्रीगण दिए हुए थे उससे वह संतुष्ट नहीं था। सही उत्तर जानने के लिए वह शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। और जो आदमी इस स्वप्न का सही अर्थ बताएगा उसे मालामाल कर दिया जाएगा। मालामाल यानी बहुत सारे और बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। बच्चों, इतना हम पिछले कक्षा में अध्ययन किए थे। ओके, आज हम किसने इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर दिया इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपने अपने घर में रहने वाले बड़ों से पूछे हैं क्या बिल्ली देखने का मतलब क्या है? आने वाले दो सपने हैं उसका अर्थ भी जो पहले ही मैं कहता हूं ना, उस वक्त अपने बड़ों से पूछ कर रखना है आखिर वह उस सपन का अर्थ क्या है। पिछले 30 दिन में यदि आपने कोई भी सपना देखे तो उसका मतलब अपने बड़ों से पूछने के लिए कोशिश कीजिए, वह सही उत्तर आपको बताएगा। बच्चों, प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम आगे का लेसन देखने वाले हैं। देखिए, इसी राज्य के छोटे से गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। जब यह खबर उस गरीब किसान के कानों तक पहुंची तो उसने भी राजमहल में जाने का फैसला किया। जब वह किसान राजमहल के ओर जाने लगा तो रास्ते में एक पहाड़ पर उसे एक सांप मिला। सांप ने उस किसान का रास्ता रोक कर पूछा, कहां जा रहे हो किसान भाई? किसान ने बड़े उदास भाव से कहा, मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए राजमहल जा रहा हूं। किसान से सारी बात सुनने के बाद सांप ने किसान से पूछा, क्या
उस स्वप्न का सही अर्थ जानते हो? यह सुनकर किसान चुप हो गया। सांप ने कहा, मैं तुम्हें राजा के स्वप्न का सही अर्थ बता सकता हूं। शर्त यह होगा कि तुम्हें राजा के यहां से जितना भी मान मिलेगा उसमें से मुझे आधा मुझे देना होगा। किसान ने खुशी खुशी सांप की यह शर्त मान ली। सांप ने कहा, राजा से जाकर यह कहना कि स्वप्न में बिल्ली दिखाई देने का मतलब यह है कि तुम्हारे राज्य में आजकल रिश्वत और धोखाधड़ी का बोलबाल है। किसान ने जब राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताया तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने किसान को बहुत सारे रुपए पैसे दिए। किसान जब उन रुपयों की गठरी को उठाकर अपने घर के ओर जाने लगा तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा कि अब सांप के पास जाने में कोई फायदा नहीं है। फिर सांप को मेरे घर का पता भी नहीं मालूम। लालच ने उस किसान को अंधा कर दिया। वह चुपचाप किसी और रास्ते से अपने घर पहुंच गया। जब किसान की पत्नी ने रुपयों का ढेरा देखा तो वह एकदम हैरान हो गई। किसान ने डिंग मारते हुए अपने पत्नी से कहा कि देखो मैं कितना समझदार हूं, मैंने राजा का स्वप्न का बिल्कुल सही सही अर्थ बता दिया। देखिए, यस, आपको यह पाठ पढ़ने के बाद में यह मालूम हुआ कि स्वप्न का सही अर्थ किसने बताया? सांप ने बताया। मालूम हुआ ना क्यों यह इस पाठ का हेडिंग, इट मींस हेडलाइंस और पाठ का नाम सांप और सपना क्यों रखा है यह आपको मालूम हुआ? इस यहां राजा सपने देखता है और उस स्वप्न का सही सही अर्थ सांप बताते हैं। यस, देखिए आपको यह बात सुनकर आश्चर्य होगा, सर सांप बात करते हैं क्या? यह एक कहानी तथा कथा है। कथा में सांप बात करते हैं, मालूम हुआ ना? इसका आपको यह तर्क में नहीं ले सकते हैं, सर हमारे गांव में आए हुए सांप और घर में आए हुए सांप बात नहीं करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं है, इस कथा में सांप बात करते हैं, मालूम हुआ ना? देखिए, यस, इसी राज्य में जैसे ही राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया शहर में, इसी राज्य के एक छोटे से गांव, क्या कहते हैं छोटे से गांव, गांव यानी विलेज, वेरी गुड, सुपर, छोटे से गांव, स्मॉल विलेज, एक गरीब किसान रहता था। गरीब किसान विलोचन है। सी गरीब इसका विलोम शब्द है, अमीर इसका यह विलोम शब्द है। गरीब इसका विलोम शब्द है अमीर। यस, एक गरीब किसान रहता था, बहुत पुअर था, बहुत चोर, इसके पास कुछ भी नहीं था और बहुत गरीब था। यह सवाल सुनकर किसान के कानों तक पहुंचा, उसने भी राजमहल जाने की तैयारी की। इसका मतलब यह है कि देखेंगे लक में क्या लिखा है मालूम नहीं है, किस्मत में क्या लिखा है मालूम नहीं है, इसलिए एक बार जाकर राजा को मैं यह उत्तर कह देता हूं। संतुष्ट होना नाराज होना उनका,
इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है, इसलिए ऐसा मानकर उन्होंने जाने का तैयार की, जाने की फैसला किया। फैसला यानी निर्धार कहलाते हैं, निर्धार कहते हैं। जब वह किसान राजमहल की ओर जाने लगा तो रास्ते में एक पहाड़ पर उसे एक सांप मिला। याद रखना है, राजमहल और किसान, किसान के छोटा सा घर, इसके बीच में एक पहाड़, मतलब राजमहल से किसान के घर जाने के लिए किसान को राजमहल के घर जाने के लिए किसान को इस पहाड़ को क्रॉस करकर ही जाना पड़ता था, इस पहाड़ को पार करकर ही जाना पड़ता था। इसलिए यह याद रखना है, पहाड़ पर उसे एक सांप मिला, दैवांश संभूत सांप मिला, सांप उसे मिला, नाग रहा वो, हम कहते हैं स्नेक कहते हैं, सांप मिला, सांप मिला, सांप ने उस किसान का रास्ता रोका। यस, रुको रुको, रुकने के लिए कहा, खड़े हो जाओ, ठहरो। किसने रास्ता रोका? सांप ने रास्ता रोका। किसका रास्ता रोका? किसान का रास्ता रोका। आखिर किसान कहां जा रहा था? किसान राजमहल के होकर क्यों जा रहा था? अपनी किस्मत आजमाने के लिए जा रहा था। याद रखिए ये सभी पॉइंट्स। कहां जा रहे हो किसान भाई? ये नहीं उठती थी अब्बा, किसान भैया अंदर कुड़ो कहता है। किसान ने उदास भाव से कहा, यहां याद रखना है, उदास भाव से कहा, मोडिमिन में दी उदास भाव, निराश भाव देने का, या सके डल पे। क्यों हां उदास था? क्योंकि उसका उस स्वप्न का सही अर्थ उसे भी मालूम नहीं था, उस किसान को भी मालूम नहीं था, फिर भी वह जा रहा था। सभी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, मैं अपनी किस्मत, 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 याद रखिए किस्मत किसे कहते हैं, किस्मत यानी लक कहते हैं, लक, किस्मत आजमाने के लिए, किस्मत आजमाने के लिए राजमहल जा रहा हूं। राजमहल अतः राजा जहां रहते हैं, आरामने वैसे राजमहल जा रहा हूं। किसान से सारी बात सुनने के बाद सांप ने किसान से पूछा, पूर्ण विवरण सुना, क्यों जा रहे हो? राजा ने सपने में बिल्ली देखा, डिंडोर पिटवाते वक्त ये सभी कहा था। ये सभी पूर्ण विवरण सुनते ही सांप ने किसान से पूछा, क्या तुम उस स्वप्न का सही अर्थ जानते हो? किसान नहीं जानता था। क्या तुम इस स्वप्न का सही अर्थ जानते हो? किसने पूछा? सांप ने पूछा। किससे पूछा? किसान से पूछा। यह सुनकर किसान चुप हो गया। चुप रहने का अंदाज है और चुप रहने का यह संकेत देते हैं नहीं जानते। आपको भी जब भी शिक्षक और शिक्षिका प्रश्न पूछते हैं उस वक्त आप चुप रहे तो मान लेते हैं, आपको यह उत्तर मालूम नहीं है। मालूम हुआ ना? आगे का बात देखेंगे प्लीज। सांप ने कहा, सांप यहां एक बात कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, सांप ने कहा, मैं तुम्हें राजा का स्वप्न का सही अर्थ बता सकता हूं, मैं जरूर बता सकता हूं, राजा का स्वप्न का सही अर्थ में बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं, यस, स्वप्न का अर्थ बता सकता हूं। शर्त यहां होगा, कंडीशन अप्लाई, जब भी कोई चीज खरीदते हैं ना वहां नीचे लिखकर रख देते हैं, कंडीशन अप्लाई। वैसे ही सांप ने भी एक कंडीशन रखा। वह कंडीशन था
तुम्हें राजा के यहां से जितना भी माल मिलेगा, जितना भी माल मिलेगा, समझ, तुम्हें 100 सोने की सिक्का मिला, जितना भी माल मिलेगा उसमें से मुझे आधा देना है। यस, तुम्हें 100 स्वर्ण का सिक्के मिले तो उसमें से 50 मुझे देना है, यानी 50 मुझे देना है। यदि आपको 500 सोने की सिक्का मिले तो 250 सिक्के मुझे देना है, यानी 250 सिक्के मुझे देना है। यस यस, याद रखिए, मुझे देना होगा। क्या किसान इस शर्त को मानते हैं? मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसको तो मालूम नहीं है, सही है, इसलिए वह खुशी खुशी से मान लेते हैं। आधा तो मिलते हैं ना, इसलिए खुशी खुशी से वह मान लिया। किसान ने खुशी खुशी से सांप का यह शर्त, मतलब नियम और कंडीशन मान लिया। सांप ने कहा, राजा से जाकर कहना कि अत्यंत इंपॉर्टेंट है, यहां जरूर पूछते हैं, आप जरूर अवश्य पूछते हैं, 1-2 मार्क के लिए, नहीं तो 1 मार्क के लिए जरूर पूछते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन है, राजा ने सपने में, पहली सपने में क्या देखा? बिल्ली देखा। राजा सपने में बिल्ली देखने का मतलब क्या है? वह यहां है, राजा से जाकर कहना, जो मैं कहता हूं ना, यह राजा के पास जाकर कहना। स्वप्न में बिल्ली दिखाई देने का मतलब यह है, स्वप्न में यानी ड्रीम में बिल्ली दिखाई देने का मतलब यह है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्ली दिखाई देने का, तुम बिल्ली देखे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे राज्य में, राजा तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे पूर्ण राज्य में, तुम्हारे शहर में, तुम जहां रहते हो ना, वहां रिश्वत और धोखाधड़ी का बोलबाल है। रिश्वत किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड, आपने सही पहचाना। रिश्वत का मतलब है लंचा, करप्शन। रिश्वत है, आपके राज्य में सभी लोग रिश्वत लेते हैं, जो कुछ भी काम होना है तो उसे रिश्वत लेकर ही करते हैं। रिश्वत और धोखाधड़ी का, धोखाधड़ी यानी धोखा देना मतलब, यस वेरी गुड, सुपर पहचान है। यस ओके, धोखा देना मतलब मोसा मारो, इन कन्नड़ा कहते हैं ना, मोसा मारो। जो व्यक्ति आप पर भरोसा रखते हैं उसको, उस भरोसे को तोड़ देना, धोखा देना। यह काम आपके पूर्ण राज्य में हो रहा है, इसलिए यह दोनों अंश पर आपको नजर डालना है, इसलिए बिल्ली सपने में आया था। प्लीज अपने राज्य में पहला हुआ इस रिश्वत और धोखाधड़ी को रोक लो, यह संदेश देने के लिए बिल्ली आया था, मालूम हुआ ना? आपको लिखना है, स्वप्न में बिल्ली दिखाई देने का मतलब यह है कि, कौन सा की उपयोग किया है, अत्यंत इंपॉर्टेंट है, कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यह छोटा की का उपयोग करते हैं। याद रखिए, यह छोटा की का उपयोग कब करते हैं? जब दो सेंटेंस यानी दो वाक्य जोड़ने के लिए छोटा की का उपयोग करते हैं, जब बाकी सभी जगह पर बड़ा की का उपयोग किया जाता है। छोटा की का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दो सेंटेंस, मां बाजार गई और मां बाजार गई, वह सेंटेंस सेपरेट है, और मुझे कहे, मुझसे कहा, ओके, दो सेंटेंस। यहां आपको जोड़ने के लिए मां मुझसे कहा कि मैं बाजार जा रही हूं,
माँ मुझसे कहा कि कौन सा की चोटा की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चोटा की का उपयोग आपको एक और बार कह रहा हूं ध्यान रखिए स्वप्न में बिल्ली दिखाई देने का मतलब यह है कि आजकल तुम्हारे राज्य में रिश्वत और धोखाधड़ी का बोलबाल है बच्चों इतना हम आज की कक्षा में चर्चा किए हैं कल की कक्षा में क्या हुआ इन सभी विचारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं धन्यवाद